जीते जी मानव शरीर में ईश्वर का साक्षात्कार करने का रास्ता बताने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने अपने उज्जैन आश्रम से भक्तों को संदेश देते हुए बताया कि मनुष्य पर जो कर्म चढ़े हुए हैं वो कैसे कटेंगे, गंदगी कैसे साफ होगी, वो कर्म इस जय गुरुदेव नाम ध्वनि से कटेंगे। गंदगी साफ होगी तो आप इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार हर जगह कर दो प्रेमियों। आप ये समझो सीधे सीधे किसी से कहोगे भाई भगवान का दर्शन होता है इस मनुष्य शरीर में और भगवान के मिलने का रास्ता ये है, यहाँ मिलेगा, जल्दी विश्वास नहीं करेगा। तो धीरे से जब अनुभव कराओगे, धीरे धीरे जब एक एक सीढ़ी पर चढ़ाओगे तो वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो कर्म जो आदमी के इकट्ठा हैं वो जल्दी विश्वास नहीं दिलाने देते हैं, विश्वास नहीं होता है उससे। कर्म को कटवाओ तो कर्म कैसे कटेंगे, बुरे कर्म कैसे साफ होंगे, वो जो जंग लगा हुआ है वो कैसे साफ होगा, यह जय गुरुदेव नाम ध्वनि से होगा। तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो। आपके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, जहाँ नौकरी करते हो या दुकान पर जो ग्राहक आपके आते हैं, तो उनको भी बताओ, सबको बताओ कि भाई करके देखो, आजमाइश करके देखो। सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि थोड़ी देर बोलो, दोपहर में भोजन खाने से पहले बोलो, शाम को भोजन खाने से पहले बोलो, रात को सोने से पहले बोलो, और जब भी मौका मिल जाए अंतर में जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलते रहो। अब देखो प्रेमियों, कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, उसकी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब कोई चीज निश्चित हो जाता है कि इस समय पर हमको ये करना ही करना है तो वो करता है। आप समझो कि आज इतवार था, आज हमारी बड़ी व्यस्तता थी, आप समझो कि सत्संग भी अभी करके आया, दोपहर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी देर तक चली, और आज आपके सामने इस समय भी बोल रहा हूँ। तो जब निश्चित हो गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ सुनाना है, लोगों से मुलाकात करनी है, तो अभी हुआ जा रहा है। ऐसे ही आप लोग शुरू करो, आधा घंटा का ही सही, एक घंटा का ही सही, जो भी समय आपके पास हो, आप जितने लोग सुन रहे हो उसमें से एक आदमी दो आदमी मन बना लोगे तो भी ये चालू हो जाएगा। जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हो, इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोज आप करो। एक समय निश्चित कर लो, शाम को अगर लोगों को मौका रहे तो शाम को निश्चित कर लो, सुबह मौका रहे सुबह निश्चित कर लो, दिन में मौका रहे दिन में निश्चित कर लो। अब ये जरूर है कि मान लो शाम को सब ना मिल पाए तो सुबह वाले में दोपहर वाले में जिसके पास जैसे समय है उसमें आप लोगों को जोड़ लो और उतनी देर तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलो और लोगों को बुलवाओ। जब अच्छा लगने लगेगा, आदत जब बन जाएगी, फायदा जब दिखाई पड़ने लगेगा, तो बोलने वाले खुद अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को भी जोड़ लेंगे और बुलवाने लग जाएंगे। और जब यह सिस्टम आपका चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो वक्ताओं के कार्यक्रम भी उस पर होने लगेंगे, बताने समझाने लगेंगे लोग, और फिर कभी जब मौका मिलेगा नामदान के इच्छुक होंगे और इधर कोरोना खत्म हो जाएगा तो आपको बुलाया भी जा सकता है। अगर समय अच्छा रहा, परिस्थिति अच्छी रही और शरीर ने साथ दिया तो वहाँ आकर के भी नामदान दिया जा सकता है। तो आपकी वजह से जीवों का फायदा हो जाए, भला हो जाए, तो आप तो धन्य हो जाओगे। नाम ध्वनि बोलनी कैसे है, मान लो कोई नया आदमी हो तो आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
हाँ इसी तरह से सब लोग रोज बोलिएगा और लोगों को बुलवाइएगा, और इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बुलवाइए, रोज निश्चित कर लीजिए टाइम, बोलिए जय गुरुदेव।